हम लोग देखते हैं नीति आगत, नीति निर्गत और नीति परिणाम। अब जानते हैं नीति आगत यदि से हम निवेश करते हैं किस तरह कानूनी प्रक्रिया में जाता है, फिर किस प्रकार वहाँ पर नीति निर्गत किए जाते हैं, नीति परिणाम होते हैं और पुनः समाज में वह फीडबैक जाता है, पुनः वह फिर नीति आगत का स्वरूप रहता है। यहाँ पर डेविड स्टर्न ने इसी आगत निर्गत मॉडल का उल्लेख किया है। यहाँ पर आप यह समझ लें कि कुछ ज्ञात समस्या होती है, इसके बारे में सक्रियता होती है और कुछ को निष्क्रियता होती है व्यक्ति के लिए अथवा समूह के लिए, तो उस आधार पर राजनीतिक प्रणालियों द्वारा मांग की जाती है। यह मांग ही निवेश के स्वरूप में होता है और यह मांग आग्रह के रूप में हो सकता है और इस मामले में सरकार कार्रवाई करने के लिए कुछ प्रस्ताव लाती है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यह समझ सकते हैं कि समाज में सती प्रथा जैसी कानून थी, तो यहाँ पर लोगों ने मांग उठाई, समाज में मांग उठी कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि 1829 में जैसे कि विलियम बेंटिक के समय राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस तरह सती निवारण कानून का फिर वहाँ पर बनता अधिनियम, कि इस तरह की बातें नहीं हो, कहने का मतलब सती प्रथा मुद्दे कानून का रूप लिया लेकिन उसके पहले समाज में वह इच्छा के रूप में उभरी थी और उस समान इच्छा का सम्मान करते हुए सरकार ने उसके अनुरूप कानून का निर्वाह किया। यहाँ पर राजनीतिक प्रणाली मॉडल में जो नीति आगत नीति निर्गत मॉडल होते हैं यह भी एक पर्यावरण के प्रभाव के रूप में चलती रहती है। राजनीतिक समर्थक जो होते हैं वे एक तरह से निवेश के रूप में समझा जाता है और स्टर्न ने अपना प्रयोग किया था 1957 में और वहाँ पर वे कहते हैं कि एक निकाय गठित करने या इसका समर्थन करने को राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों के लिए विशिष्ट अभिप्रेरणा जो मिलती है वह निवेश कहलाता है और वह निवेश प्रतिबंध या धमकियों द्वारा या समर्थन के लिए लाभ या समाज के राजनीतिक मानदंडों में समाजीकरण द्वारा किया जाता है। एक धरा सरकार के कानून का समर्थन करता है और इस दृष्टि देखते हैं यहाँ पर फिर वह जब कानून सरकार के पास जाती है तो वहाँ पर उसके अनुकूल कानून का निर्माण होता है, वो वास्तविक निर्णय लेते हैं और जो सरकार निर्णय लेती है वह उससे भिन्न होती है जो कि समाज में मांग उठती है, वह कहता है कि वह करने जा रहा है। और हम यह देखते हैं कि नीति निवेश के उदाहरण ऐसे मामलों से संबंधित होते हैं जैसे निर्मित शिक्षा संस्थाएं, भुगतान क्षतिपूर्ति या समाप्त किए जाने वाले कारोबार पर प्रतिबंध लगाने से, और जो फिर निष्कर्ष निकलते हैं वे एक तरह से वास्तविक परिणाम होते हैं, वह चाहे उद्देश्य के साथ हो या उद्देश्य के बिना भी हो सकते हैं। जो आगत होता है, जो निवेश होता है वह परिणाम से जाहिर है कि अलग है और निवेश की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि नीति द्वारा प्रभावित होने वाले जो अभिप्रेत लक्ष्य समूह के लिए वास्तव में क्या होता है। यदि लक्ष्य समूह में परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पर यह समझा जाता है कि कुछ न कुछ वहाँ पर गलत हो रहा है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भारत में श्रम कल्याण नीति जैसी बातें हैं। कल्याण नीति निवेशों का आकलन क्या जा सकता है, जैसे कितने व्यक्तियों की सहायता की गई, कितने व्यक्तियों को लाभ राशि प्रदान की गई, उसी तरह सुरक्षा नेट सब है और औद्योगिक उत्पादकता के लिए जो नीतियों के परिणामों संगठन में अन्य शक्तियों का विभाव होता है वह अनुशासनहीनता, संगठन के प्राधिकार का दुर्बलीकरण आदि का आकलन करना एक तरह से यहाँ पर कठिन हो जाता है। और हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि नीतियों के परिणाम का जो मूल्यांकन होता है वह यह आकलन प्रारंभ करता है कि क्या वास्तव में जो नीति प्राप्त हो रही है वह जो नीति प्राप्त करने के लिए बनी थी वो वैसी नीति निर्गत हो रही है या नहीं हो रही है।